नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग मापनी को समझने वाले हैं। इसके पहले हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड में हमने इंट्रोडक्शन लाइन एंड डाइमेंशनिंग को समझा था। अब यहाँ पर हम मापनी को विस्तार से ये समझने का प्रयास करते हैं। हम जैसे क्या किसी भी ड्राइंग को हम अपने ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे बिंदु ए है, बी है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेमी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम अपने इस स्केल से लेकर के आराम से 10 सेमी क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ठीक। अगर अब यही ए से बी के बीच की दूरी 1 मीटर हो जाए, कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो क्या हम इस दूरी को ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित कर पाएंगे? नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी ड्राइंग शीट है वह 1 मीटर से छोटी है। या हम कहें अगर ए एक शहर है और बी दूसरा शहर है, अब ए से बी शहर के बीच की दूरी को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, इनके बीच की जो दूरी है अगर 100 किमी है, ठीक है। आप आराम से समझते चलिएगा, आपका एक ही बार में, फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा वादा है। आप बस इत्मीनान से देखिएगा, आपको मापनी में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेमी है, तो हम इसको तो प्रदर्शित कर लेते हैं ड्राइंग शीट पर। लेकिन अगर ए से बी के बीच की दूरी 1 मीटर है तो ड्राइंग शीट हमारी छोटी पड़ जाती है। अब ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, तो अब क्या हम इन दूरियों को ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें लेकिन क्या करना है, क्योंकि हमें तो प्रदर्शित करनी है सभी मापों को, क्या करना है, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करना है। तो अब इसके लिए ये तो हम खींच लेंगे, अब बात कर रहे हैं इनकी और इसकी, कि इसको हम ड्राइंग शीट पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो अब हम जैसे इसको ले रहे हैं, पहले इसको फर्स्ट वाले को ले रहे हैं, फिर बाद में सेकंड वाले को लेंगे। अब हम मान लेते हैं ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, ठीक। अब अगर हम मान लें इसको सेमी में हम चेंज कर ले रहे हैं, 100 सेमी। अब हम क्या करें, एक मान लें कि एक सेमी अगर हम ड्राइंग शीट पर लाइन की रेखा खींचें तो वह कितने को प्रदर्शित कर रही है, 10 सेमी को। हमने क्या माना कि माना 1 सेमी अगर हम ड्राइंग शीट पर रेखा खींच रहे हैं तो वो किसको कितने को प्रदर्शित कर रहा है, 10 सेमी को खींच प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हमें 100 सेमी खींचने के लिए कितनी लंबी लाइन खींचनी होगी, तो 2 सेमी कितने को प्रदर्शित करेगा, 20 सेमी को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 10 सेमी अगर हम 100 सेमी को प्रदर्शित करेगा, यानी 10 सेमी ये किस पर है, ड्राइंग शीट पर है, किस पर है, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप है, और ये क्या है, वास्तविक माप है, वास्तविक माप है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर 10 सेमी खींच देंगे, लेकिन यह माप जो होगी वह कितना होगी, वास्तव में 100 सेमी के बराबर, ठीक है। अब इसको यहीं पर रोके रहिएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ए से बी ये शहर है, ए एक शहर है, ठीक है, और बी दूसरा शहर है, दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ड्राइंग शीट पर इसको दिखाना चाहते हैं, ए और बी के बीच की दूरी को। तो अगर हम मान लें कि एक
सेमी अगर हम ड्राइंग शीट पर खींच रहे हैं, ठीक है, तो वो दूरी वास्तव में कितने को प्रदर्शित कर रहा है, 10 किमी को। तो 100 किमी दूरी प्रदर्शित करने के लिए हमें ड्राइंग शीट पर कितना खींचना होगा, 10 सेमी खींचना पड़ेगा कि नहीं, तो कितने को प्रदर्शित करेगा, 100 किमी को। यानी हम अगर 10 सेमी लाइन खींच दिए तो वो 100 किमी को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि हम एक निश्चित अनुपात में, यानी वास्तविक दूरी को हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित अनुपात में काल्पनिक दूरी में बदल करके हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जा सके, मापनी कहलाता है। तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी वास्तविक माप को एक निश्चित अनुपात में काल्पनिक माप में बदल करके प्रदर्शित करना मापनी कहलाता है। यानी कि वास्तविक माप को एक निश्चित अनुपात, हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, एक निश्चित अनुपात में काल्पनिक मान करके उसको ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, मापनी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इतना थोड़ा समझ में आया होगा। अब आइए हम इसके और आगे देखते हैं। हमने मापनी को समझा कि मापनी क्या होती है, किसी भी वास्तविक दूरी को एक निश्चित अनुपात में काल्पनिक दूरी में बदल करके प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, मापनी कहलाता है। अब आइए हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं निरूपक भिन्न। क्या? निरूपक भिन्न, इसको रिप्रेजेंटेटिव, निरूपक भिन्न या इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अगर इसको समझ लेते हैं तभी ड्राइंग को कर यानी कि मापनी बना पाएंगे, अन्यथा आप बिना निरूपक भिन्न समझे मापनी को नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम शॉर्ट में निभी, ठीक है, निभी या जो है कि आरएफ बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? आरएफ। तो हम कैसे आरएफ निकालेंगे? जैसे हम मान लेते हैं ए एक शहर है, ठीक है, और बी दूसरा शहर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमने माना कि कितना है, 100 किमी है, ठीक। वास्तविक दूरी कितनी है, ए वास्तविक दूरी है, क्या है, वास्तविक दूरी है, ठीक। हमने लेकिन अब यहाँ पर एक क्या माना, क्योंकि हम इस माप को, इस दूरी को काल्पनिक दूरी में मान कर के ही हम ड्राइंग शीट पर खींचेंगे, तो हमने माना कि माना एक सेमी अगर हम ड्राइंग शीट पर खींचेंगे तो कितने को प्रदर्शित करेगा, 10 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक, वास्तविक माप या दूरी, ठीक है, ये माप या दूरी कुछ भी हो सकता है। तो निरूपक भिन्न के लिए एक सबसे पहले आपको ये फार्मूला आनी चाहिए कि ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटी वास्तविक माप यानी वास्तविक दूरी। अब देखिए हम इसका ए और बी शहर के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, अब हम इसका आरएफ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आरएफ इक्वल टू, अब देखिए ड्राइंग शीट पर हम कितना प्रदर्शित कर रहे हैं, एक सेमी प्रदर्शित कर रहे हैं, कितने को, 10 किलोमीटर को, ठीक है। तो ड्राइंग शीट पर कितनी प्रदर्शित माप है, एक सेमी है, तो हमने क्या किया, एक सेमी बटे कितना है, 10 किमी है,
10 किमी। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं ऊपर का जो मात्रक है सेमी में है और नीचे क्या है किमी में है। हम हमेशा क्या करेंगे, जो मात्रक होगा हमेशा सेम रखते हैं, तो 1/10 गुणे मीटर में कितना हो जाएगा 1000 गुणे फिर कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से इसका आर एफ कितना आ गया, आर एफ कितना आ गया, आर एफ आ गया 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, ये क्या आ गया इसका आर एफ। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी दी गई हुई माप का हम आर एफ निकालेंगे। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब मानते हैं कि माना दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी, ठीक है, दो शहर हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, हम मान लेते हैं 1500 किमी है, ठीक है, 1500 किमी है इन दोनों शहरों के बीच की दूरी को 1500 किमी है। अब हम इसका निरूपक भिन्न निकालना चाहते हैं, ठीक। हम मान लेते हैं कि माना 1 सेमी बराबर, हम यहाँ पर 1 सेमी हमेशा लेंगे क्योंकि हम जो ड्राइंग शीट पर सेमी में ही माप को प्रदर्शित करते हैं, तो 1 सेमी बराबर कितना हो जाता है, मान लेते हैं 100 किमी, कितना हो गया 1 सेमी बराबर 100 किमी हमने मान लिया। तो अब हम आर एफ इसका निकाल लें, आर एफ, तो हमने आर एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। तो ड्राइंग शीट पर हम कितना प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 सेमी प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम 1 सेमी और जो वास्तविक माप कितना है, 1 किमी, जब हम 1 सेमी हम खींच रहे हैं तो कितने किमी को प्रदर्शित कर रहे हैं, 100 किमी को, ठीक है, 100 किमी को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बदल देंगे, इसको भी सेमी में, 1 सेमी/100 × 1000 मीटर में हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 100 सेमी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक हो जाएगा आर एफ, और यहाँ पर ये सेमी रहेगा तो सेमी से सेमी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं निरूपक भिन्न क्या है, विमाहीन राशि है, क्या है ये, विमाहीन राशि, निरूपक भिन्न की कोई विमा यानी मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको आर एफ निकालना आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम फिर से इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमने निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर हमने पढ़ा कि ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। अब हम निरूपक भिन्न के आधार पर स्केल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, फुल स्केल और रिड्यूसिंग स्केल और इंक्रीजिंग स्केल, यानी कि सम मापनी, लघुकरण मापनी और वृद्धि कारक मापनी। अब यहाँ पर सम मापनी किसको कहेंगे, जैसे जो वस्तु की माप है उतनी ही माप को हम ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, सम मापनी यानी समान माप, जो वस्तु की लंबाई है वास्तव में उतना ही हम ड्राइंग शीट पर भी प्रदर्शित कर रहे हैं तो उस मापनी को हम क्या कहेंगे, सम मापनी। जैसे अगर ये जो मार्कर है इसकी जो लंबाई है अगर हम मान लेते हैं 10 सेमी है, ठीक है, कितनी है 10 सेमी, वास्तव में कितनी है 10 सेमी है वास्तविक, और हम प्रदर्शित भी ड्राइंग शीट पर कितना कर रहे हैं, ड्राइंग शीट पर कितना प्रदर्शित कर रहे हैं, 10 सेमी ही हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी माप इसका जो आर एफ कितना आएगा हम निकाल ले रहे हैं, आर एफ इसका आर एफ कितना आएगा 10, वास्तविक कितना है
यानी ड्राइंग शीट पर हम कितना प्रदर्शित कर रहे हैं, 10 सेमी प्रदर्शित कर रहे हैं, और वास्तव में कितना है, वास्तव में भी 10 सेमी है। तो हमने क्या किया, इसको जब काटा तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सम जो मापनी होती है उसका आरएफ कितना होता है, 1:1 का होता है, समझ में आया, यानी 1 ही होता है उसका। तो इस प्रकार से हमने सम मापनी को समझा कि जितनी वास्तविक दूरी है उतना ड्राइंग शीट पर ही दूरी प्रदर्शित करते हैं, तो उस मापनी को हम सम मापनी कहते हैं। अब हम लघुकरण मापनी की बात करें, यानी रिड्यूसिंग स्केल किसकी बात करें, तो अगर हम मान लेते हैं जैसे हमने कहा ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बहुत अधिक है, जब अधिक दूरी मान लेते हैं 100 किमी है, तो अब हम 100 किमी को क्या कर सकते हैं, ड्राइंग शीट पर तो प्रदर्शित कर नहीं सकते हैं, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित अनुपात में इसको मानना पड़ेगा। तो हम मान लिए कि 1 सेमी बराबर 10 किमी, ठीक है। अब हम इसका आरएफ निकालें, तो आरएफ बराबर क्या आ गया, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित दूरी 1 सेमी, वास्तव में 10 किमी, तो ये सेमी में हो गया, ए किमी में हो गया। हम हमेशा क्या करेंगे, दोनों जो इकाइयां हैं इसको सेम रखेंगे, तो इसको 1 सेमी बटे 10 × 1000 × 100, तो कितना हो जाएगा, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो लघुकरण मापनी है उसमें जो आर एफ आर है उसका हमेशा 1 से कम आएगा। तो ये लघुकरण मापने का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पर हम लघुकरण मापने का प्रयोग करते हैं। अब वृद्धिकरण मापनी, बहुत सी ऐसी मापी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, जैसे घड़ी के पार्ट हो गए, बहुत छोटे छोटे उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तो अब उसको हम ड्राइंग शीट पर बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर 1 mm है तो उसको हम 1 सेमी मान लेते हैं, क्योंकि जो वृद्धिकरण मापनी है, घड़ी के पार्ट जो होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, अगर हम 1 mm का कोई पार्ट है, ठीक है, इसको अगर हम ड्राइंग शीट पर बनाना चाहते हैं तो क्या इसको हम 1 mm बना पाएंगे, किसी अगर स्क्रू को किसी पार्ट को प्रदर्शित करना होगा बना पाएंगे, नहीं। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ड्राइंग शीट पर मान लेते हैं 1 सेमी, ठीक है। अब 1 सेमी हम 1 सेमी में किसी भी हम ड्राइंग को खींच सकते हैं आराम से। तो अब इसका हम आरएफ निकालना चाहे, तो ड्राइंग शीट पर हमने कितना शो किया है, ड्राइंग शीट पर हमने शो किया है 1 सेमी, ठीक है, और वास्तव में कितना है, 1 mm है। तो 1 सेमी, ये सेमी हो गया, और एक कितना हो गया, 1 mm हो गया, तो इसको भी हम बदल दिए 10/1। तो इस प्रकार से इसका जो आरएफ आएगा वह हमेशा 1 से अधिक आएगा। तो इस प्रकार से हमने निरूपक भिन्न के आधार पर 3 मापनियों को देखा, इसका जो आरएफ हमेशा आएगा 1:1 आएगा, इसका हमेशा 1 से कम आएगा, और इसका आरएफ हमेशा कितना आएगा, 1 से अधिक आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह जो तीनों मापनियां हैं ये समझ में आ गई होंगी। हमने निरूपक भिन्न निकालना सीख लिया कि निरूपक भिन्न आरएफ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आरएफ बराबर क्या हमने पढ़ा कि ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, ठीक है, बटे वास्तविक माप या दूरी, हमने आरएफ बराबर पढ़ा। और इसकी जो इकाई कोई नहीं होती, यानी कि यह विमाहीन राशि है, तो इस प्रकार से हमने ये फार्मूला पढ़ा। एक इसके बाद आपको एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो फार्मूला याद रखनी होगी वह मापनी की लंबाई, ठीक है, मापनी की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये क्या होता है, निरूपक भिन्न यानी निभी गुणे अधिकतम माप, ठीक है, अधिकतम माप,
ठीक है, मापनी की लंबाई बराबर लेंथ ऑफ स्केल बराबर हमने फार्मूला लिखा निरूपक भिन्न गुणे अधिकतम दी गई दूरी, जो अधिकतम माप होती है वह, तो इसको हम शार्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं फार्मूले के रूप में, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, ये आपका एक फार्मूला हो गया। तो इस प्रकार से हमें स्केल में दो फार्मूले यानी इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण फार्मूले आपको आने ही चाहिए, तब जा कर के आप मापनी को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका एक उदाहरण देते हैं, देखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर हम किसी मापनी का आपको दिया रहेगा सवाल में कि आर एफ दिया रहेगा, मान लेते हैं आर एफ एक बटे दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, एक बटे इतना दिया हुआ है और मैक्सिमम दो लेंथ है, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हमें दिया हुआ है 15 किमी। तो ये जो मापनी की लंबाई आएगी, ये जो किस मापनी की लंबाई की बात कर रहे हैं, जो हम ड्राइंग शीट पर चलेंगे उस मापनी की लंबाई की बात कर रहे हैं, वही मापनी की लंबाई है। तो मापनी की लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्केल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आर एफ कितना दिया हुआ है, एक बटे एक दो तीन चार पाँच ये दिया हुआ है गुणे 15 एक किमी में है। हम इसको क्या करेंगे, हमेशा सभी माप को सेमी में बदलने का प्रयास करेंगे, तो इसको हम सेमी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा मीटर गुणे यानी कि अब हो गया सेमी में, तो ये क्या हो जाएगा 5 शून्य से 5 शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा 15 सेमी। तो हम जो ड्राइंग शीट पर कितना चलेंगे 15 सेमी। ये आप अभी इतना बस याद रखिएगा, जब हम मापनी बनाना सिखाएंगे तो आपको ये काम देगा। तो इस प्रकार से हमने इन दो फार्मूले को देखा। अब आइए हम जानते हैं कि हमें कौन कौन से मापनी पढ़ने हैं। तो हमें जो मापनी पढ़ने हैं वो वैसे तो मापनी बहुत टाइप की होती है, तो हमें जो पढ़ना है साधारण मापनी पढ़ना है और विकर्ण मापनी। इन्हीं दो मापनियों को हम बताएंगे। वैसे तो जीवा मापनी होता है, बहुत सी मापनियाँ होती है, तो हम आपको यही सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें कुछ इकाइयाँ होती हैं दूरी मापने की, वो आनी चाहिए। आइए पहले हम इकाइयों का चर्चा कर लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे साधारण मापनी को। आइए मापनी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लंबाई की इकाइयां हैं। जब तक आपको इकाइयों को एक दूसरे में चेंज करने नहीं आएगा तब तक आप मापनी को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं एक ऐसी विधि आपको बताऊंगा, आप सभी इकाइयों को एक दूसरे से आसानी से आप बदल सकते हैं। कैसे, जैसे आपने याद करेंगे कैसे, किलो मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो आपको ये कैसे याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ऐसे आप कई बार कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर कोई पूछता है आपको कि एक मीटर में एक या एक किलोमीटर में, ठीक है, ऐसे एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ठीक, इतना मीटर होता है, तो हम इसको याद किए हुए हैं तो हम बता देंगे कि 1000 मीटर होता है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ 1 किलोमीटर कहा है तो 1 किलोमीटर के नीचे 1 लिख देंगे, और कहाँ तक पूछा मीटर में, तो यहाँ पर हम मीटर तक लेके जाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 1000 मीटर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए 1 किमी में यानी कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप 1 किमी में पूछा है तो यहाँ पर 1 किमी के नीचे किमी लिख दे, हेक्टोमीटर के नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो गया 10 हेक्टोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितना दूरी होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है। अगर हम ऐसे ही निकाल सकते हैं 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, 0 बढ़ाते जाते हैं। अब जैसे पूछे अगर आपसे कि एक हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है,
ठीक है, एक हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो हम क्या करेंगे हेक्टोमीटर के नीचे एक लिख देंगे, यहाँ पर एक लिख दिए और मीटर कहाँ पर है, यहाँ तक, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे शून्य बढ़ाते चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 100 मीटर, यानी एक हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है 100 मीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक डेकामीटर में कितना मीटर होता है, एक डेकामीटर में कितना सेमी में हम बात कर लें कितना सेमी होता है, तो अब हम क्या करेंगे डेकामीटर के नीचे हम क्या लिखेंगे एक लिखेंगे, ये वाला जो लिखा रहेगा उसके नीचे हम एक लिखेंगे, जो पूछेगा वहाँ तक हम क्या करेंगे शून्य बढ़ाएंगे, तो सेमी पूछा है तो 1-2 सेमी यहाँ तक है तो सेमी तो बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 सेमी, यानी कि एक डेकामीटर में 1000 सेमी होता है। तो हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं कि बदल सकते हैं कि एक किलोमीटर हेक्टोमीटर इन सभी मापों को हम क्या कर सकते हैं, ये वाला आपको आना चाहिए तभी आप जा कर के मापने कर पाएंगे। एक और है आपको याद करना पड़ेगा, एक ये क्षेत्रफल वाला है कि एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, या इसको 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी एक हेक्टेयर हम किसको बोलेंगे, अगर कोई भी खेत या क्षेत्र क्षेत्र कितना कैसा हो 100 मीटर लंबा हो, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा हो, 100 मीटर क्या हो लंबाई हो 100 मीटर चौड़ाई हो, तो उस जो खेत होगा उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 1 हेक्टेयर आएगा। तो जैसे देख लीजिए ना, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 × 100, ये भी मीटर में है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हेक्टेयर आ जाएगा। तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से हमने मापने के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग मापने को बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे, इस वीडियो में जितना बताया गया है आप एक बार दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, फिर तब जा कर के आपको जो आगे बताएंगे वो समझ में आएगा। फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सभी लोग उठा सकें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।